जनपद संभल के थाना जुनावाई क्षेत्र में 2/3 अक्टूबर की देर रात्रि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना सुबह में वहाँ के गांव के प्रधान द्वारा थाना जुनावाई पर दी गई। उस घटना का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया एवं उसके बाद में उसका अनावरण करने के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन शुरू से ही मुकदमा लिखवाने के लिए भी रेसिस्टेंस था। मुकदमा भी 1.5 दिन बाद में लिखाया गया। उनके परिवार के लोगों को बुलवा के बताया गया कि आप मुकदमा लिखवाएं इसमें। उसके बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू किया तो पता चला कि मृतक जो है उसका चाल चलन ठीक नहीं था और उसका घर की भी विभिन्न महिलाएं हैं उनके साथ और गांव के भी अन्य कई महिलाएं हैं उनके साथ उसके अवैध संबंध थे। इसी को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार के उसके 3 बेटे थे, उनमें से 2 बेटों को ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी। वे जहाँ भी जाते थे उनको किसी प्रकार का लांछन या स्त्री लगता था, ऐसा इनके बेटों द्वारा बताया गया। तब इन सारी बातों का पुलिस के द्वारा, हमारी SOG द्वारा, सर्विलांस के द्वारा, विभिन्न माध्यमों से पता किया तो ये तस्दीक हुआ कि इस व्यक्ति का चाल चलन ठीक नहीं था। इसके बाद में जब इसके पुत्रों से गहन पूछताछ की गई और कई दिनों तक विभिन्न विभिन्न एंगल से जब पूछताछ की गई, तब ये पता चला कि जिस दिन घटना हुई है उससे 15 दिन पूर्व इसके दोनों बेटों मनोज और राजू इन्होंने प्लानिंग की थी कि अपने पिताजी को मारने की प्लानिंग इन्होंने 15 दिन पहले बनाई। और उसके बाद में इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देख के, एक दिन जब वो अपने ट्यूबवेल पर रात को सोने जाते थे, वहीं पे जाके मनोज ने, जो घर में पूर्व से ही रखा हुआ एक तमंचा था, उस तमंचे को लोड करके अपने छोटे भाई राजू को दिया। और राजू ने रात को करीबन 2:30 बजे के आसपास एक घटना कारित की। और घटना कारित करने के बाद में अगले दिन ये बता दिया गया कि इनके पिताजी की जो है डेथ है वो सांप के या किसी ऐसे जानवर के काटने की वजह से हुई है, ना कि कोई गोली लगने से हुई है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि इसकी हत्या जो है वो गनशॉट वुंड के कारण हुई है।